कर रहे लोगों पर काशीपुर प्रशासन ने अपना डंडा चलाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते आज पुलिस और प्रशासन ने नगर में दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं देने वाले व्यापारियों और लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए चालान काटे। बता दें कि अनलॉक वन के दौरान प्रशासन ने लोगों को काफी छूट दी थी, लेकिन लोग प्रशासन की छूट का जमकर फायदा उठा रहे थे और नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग की बाजार में जमकर धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही थी। नियमों का पालन न होता देख जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के निर्देश दिए, जिसके चलते आज काशीपुर में सीओ मनोज ठाकुर और एसडीएम गौरव कुमार के नेतृत्व में प्रशासन ने नगर में पैदल मार्च करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले व्यापारी और मास्क न पहनकर घूमने वाले लोगों के खिलाफ जमकर कार्यवाही की। साथ ही प्रशासन ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की अपील की। आज पहले दिन मुख्य रूप से जागरूकता पर ही फोकस किया गया है। अनाउंसमेंट कराया गया है कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बाजार में सभी दुकानदार अपने यहाँ भीड़ ना लगने दें और साथ ही ठेली और रेडी भी ना लगने दें। इसी क्रम में आज घूमकर सभी को अनाउंस करके जागरूक किया गया और जो लोग नहीं मान रहे हैं उन पर चालान भी किए जा रहे हैं, चालान की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, डीएम साहब द्वारा जो निर्देश निकाले गए हैं इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न पहनने का उल्लंघन है और उसका जुर्माना निर्धारित किया गया है। तो इसमें आज जो है हम लोग नगर पालिका की टीम, राजस्व की टीम, पुलिस की टीम के साथ ज्वाइंट एक ये अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम लोग जागरूकता के साथ साथ जो बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं उनका चालान भी किया जा रहा है और आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। सर, देखिए, अभी टुक टुक वालों की मीटिंग लेके उन्हें प्रॉपरली समझाया जा रहा है, क्योंकि कई लोग अनपढ़ भी हैं, उसमें कई लोग वैसे भी हैं, तो उन्हें थोड़ा प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो उस पर कार्रवाई